नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। और दर्शकों, आज जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इन दिनों देश में एक बड़ी बहस चल रही है, 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने पीएम का चेहरा कौन होगा। एक सवाल और है कि जो पीएम मटेरियल कहे जा रहे हैं वो मोदी के मुकाबले कितने दमदार हैं। ये दमदारी का टेस्ट भी है। 2024 की रेस में कई नेता उतर कर आ गए हैं। राहुल गांधी पहले से हैं, अभी अभी पीएम मटेरियल के तौर पर सबसे नया नाम बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का आ गया, जिनकी पार्टी के लोग और प्रदेश के डेप्यूटी सीएम तक इस बात का संकेत दे चुके हैं। हालांकि महागठबंधन में उनके सहयोगी कांग्रेस ने कहा है कि उनके पास पीएम मटेरियल राहुल गांधी पहले से ही मौजूद है। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस रेस में हैं, जो दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जुटी हुई हैं। आज भी ममता बनर्जी कोलकाता में सुब्रमण्यम स्वामी से कुछ ही देर पहले मिली हैं। इसके अलावा पीएम मटेरियल के तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और एनसीपी चीफ शरद पवार के नाम की भी चर्चा हो रही है। ये तो हुई 2024 की रेस की बात, जिसे हम आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं। लेकिन जब आप इन नेताओं की अलग अलग तरीके से मोदी के मुकाबले मूल्यांकन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सीएम है, लेकिन पिछले कुछ महीने से राजस्थान में क्या हालत है ये आप देख ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जिस तरह से चल रही है आपके सामने है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, सीएम नीतीश कुमार खुद अगले पीएम की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन लाचारगी देखिए कि एक फरार कानून मंत्री पर खुलकर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। एक दागी खाद्य मंत्री पर क्या फैसला लें, इसे लेकर असमंजस जैसी स्थिति दिखती है। बंगाल में तो आया राम गया राम है। पार्थ चैटर्जी को आज कोर्ट ने 31 अगस्त तक के लिए फिर से जेल भेज दिया, बेल नहीं मिल पाई। अनुव्रत मंडल केस का एग्जाम्पल आपके सामने है। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का है, ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड लेकर क्या बड़े बड़े नेता 2024 में मोदी को चुनौती देंगे, विपक्ष के यही चेहरे रहेंगे, यही है आज पब्लिक का सवाल। एक एक कर हर राज्य की घटनाएं बताना चाहती हूं जो कुछ घंटे में सामने आए हैं। जयपुर में मंदिर के पुजारी ने खुद को आग लगा ली। पुजारी गिरिराज शर्मा की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति के सदस्य पुजारी को परेशान कर रहे थे। राजस्थान के ही हनुमानगढ़ में साधु चेतन दास की हत्या उनकी कुटिया में ही कर दी गई। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कुटिया में घुसकर साधु को किसने मारा? जयपुर में, और ये सबसे दिल दहलाने वाली घटना है, जयपुर में जो राज्य का कैपिटल माना जाता है, शेड्यूल कास्ट की एक महिला टीचर को जलाकर मार डाला गया। 10 अगस्त को पेट्रोल डालकर महिला टीचर जिंदा जला दी गई और कल शाम महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले आपने जालौर की घटना देखी, जहां आरोप लगा कि एक प्राइवेट स्कूल में मटके से पानी पीने के आरोप में एक छात्र की पिटाई टीचर ने की और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। और इन सबसे बड़ी बात कि करौली दंगे के मास्टरमाइंड माना जाने वाले मतलूब अहमद आज 138 दिन बाद भी फरार है। दूसरा आरोपी साहब सिंह गुर्जर ने सरेंडर किया है, राजस्थान की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। गुर्जर ने खुद को सरेंडर किया है और मतलूब अहमद फरार है। बच्चा शेड्यूल कास्ट का मार दिया जाता है और टीचर को जलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये है राजस्थान, राजस्थान की ये हालत है। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो हैं गहलोत साहब, वो गुजरात प्लान में लगे हुए हैं।
आज टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर अमित राजपूत ने उनसे गुजरात में ही पूछा, मतलूब अहमद कब गिरफ्तार होगा? जवाब जरूर सुन लीजिए राजस्थान के मुख्यमंत्री। 3 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर पहली बार, हम लोग कहते थे भाई देखो गुजरात कितना आगे बढ़ गया है, गुजरात से कोई आता है अगर कार में वो सो रहा है नींद आ गई उसको, जैसी दातन आया नहीं और नींद खुल जाती है उसकी, इतनी सब्जेक्ट खराब रहा है इंसान जी। अब मेरा सवाल है मतलूब अहमद सर, यार मतलूब अहमद फरार सर, लेकिन राजस्थान पे मेरा सवाल है मतलूब अहमद सर, यार मतलूब अहमद फरार सर, लेकिन राजस्थान पे मेरा सवाल है मतलूब अहमद सर, यार मतलूब अहमद फरार सर, लेकिन राजस्थान पे। अब आप 2024 में मोदी के मुकाबले पीएम पद की रेस में नए आए नीतीश कुमार का सुशासन वाला ये बायोडेटा देख लीजिए। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4 बड़ी वारदातें हुई हैं। पटना में आज आर्मी के एक जवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। वैशाली में एक लड़की को अगवा किया गया, रेप के बाद हत्या भी कर दी गई। आज ही गोपालगंज में बैंक में घुसकर बदमाशों ने लाखों के कैश को लूट लिया। कल पटना में कोचिंग जा रही 16 साल की एक छात्रा को बदमाशों ने गोली मार दी। इससे पहले 15 अगस्त को पूर्णिया में बालू कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या की गई। 14 अगस्त को छपरा में 10 साल के बच्चे की हत्या हुई। बिहार में नई सरकार बनने के बाद क्राइम की लिस्ट जिस तेजी से बढ़ रही है वो आपके सामने है। उससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि नीतीश का सुशासन कल की बात हो गई, अब मैसेज कुछ और जा रहा है। फिर से जंगल राज की बात की जा रही है, लेकिन नीतीश 2024 के प्लान पर काम कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ऐसे रिपोर्ट कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता? जनता कहां है इस प्लान में? अब दीदी का हाल देखिए। बंगाल में आया राम गया राम हो रहा है। एक जेल पहुंच रहा है, दूसरा सहयोगी जेल का नंबर लगाए बैठा है। एसएससी घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को आज कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। दोनों को 31 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान पार्थ और अर्पिता के वकील ने दोनों को जमानत देने की अपील की थी, जिसका ईडी ने भरपूर विरोध किया। बीते दिनों आपने देखा कि ईडी की रेड में अर्पिता मुखर्जी के घर से कितने करोड़ों का कैश और 56 करोड़ के लगभग बताया जाता है करीब 2.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ। इसके अलावा ममता के एक और मंत्री अनुव्रत मंडल भी पशु तस्करी मामले में सीबीआई की कस्टडी में है। अनुव्रत पर अब अपनी बेटी सुकन्या समेत 6 करीबी लोगों को अवैध तरीके से शिक्षक की नौकरी दिलाने का भी आरोप लग गया है। 2024 के लिए ममता दीदी भी कैंडिडेट हैं और होना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सवाल है क्या अपनी सरकार का ऐसा रिपोर्ट कार्ड लेकर 2024 में मोदी के सामने होंगी दीदी? अब 2024 के इस लार्जर पिक्चर को लेकर जो सवाल पब्लिक का है वो ये है कि 2024 की रेस में मोदी के सामने किसके रिपोर्ट कार्ड में कितना दम? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस से राजस्थान ठीक से संभल रहा है? क्या राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड राहुल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है? और सवाल नंबर 3, अपने दागी मंत्रियों पर चुप रहने वाले प्रधानमंत्री के लिए क्या रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आज इन सवालों के जवाब हम लेंगे। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल मदान सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर भी हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू के लीडर हैं और उधर रिजू दत्ता जी बंगाल से जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रिजू दत्ता जी, मैं आपसे शुरू करती हूं। रिजू दत्ता जी, ये सबका संवैधानिक अधिकार है, प्रधानमंत्री के चुनाव में कोई भी आगे आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, इस पैनल पे बैठा कोई भी व्यक्ति विशेष आ सकता है, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का चैलेंजर
इसकी ढूंढ ज्यादा चल रही है, इसकी बात ज्यादा चल रही है, लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देखें तो शायद तीन बड़ी पार्टियों के पास लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आज जनता के ऊपर मजाक करने का आरोप लग सकता है। हमने देखा किस तरह से पार्थ चैटर्जी के यहां बंडल नोटों के मिले, और आज सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत हो रही है क्योंकि वो मोदी के अब खिलाफ खड़े हुए हैं, तो क्यों ना एक एंटी मोदी फ्रंट बना लिया जाए। रिजु दत्ता जी, जनता से क्या जवाब दी है, जनता के लिए क्या आपका प्लान है, क्या इस पर आज चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप जवाब दीजिए, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, पहला तो हम तृणमूल कांग्रेस जनता के हित में काम करती है, देश के हित में और देश के संविधान के हित में काम करती है। हमारे लिए अगर आप प्रधानमंत्री का चुनाव देखेंगे तो कैंडिडेट के तौर पे हम कहेंगे, हमारी नेत्री ने साफ साफ कहा है कि देश की जनता चुनेगी कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा। पर अगर सीधी देखा जाए तो 7 बार की MP, 4 बार की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 3 बार की मुख्यमंत्री और देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और एकमात्र नेत्री जिन्होंने बीजेपी के साथ 1:1 फाइट में बंगाल में उनको धूल चटा दिया था जब गृह मंत्री ने कहा था अब की बार 200 पार, अब पहले 77 में रुक गई थी, अभी 60 के नीचे आ गया। और रहा बात आपका प्रश्न का, क्यों हम लोग ये नहीं बात करते कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे, उनको तो पहले इस्तीफा देना चाहिए। आपने सबके लिस्ट गिनवाए, आपने गिनवाए नहीं क्यों गुजरात से जो 30,000 करोड़ का हेरोइन पकड़ा गया, 2 दिन पहले 1,000 करोड़ का म्योमियो ड्रग पकड़ा गया, पर कश्मीर में अभी भी हिंदुओं को गोली मारी जा रही है, वहां वो विफल हो गए, देश में कश्मीर में भी चल रहे, उनके राज में दिल्ली से लेके मुजफ्फरनगर से लेके हर जगह दंगे भड़क रहे, तो पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी को एक नया कैंडिडेट ढूंढना चाहिए, उसके बाद विपक्ष अपना राय देगी कि कौन खड़ा होगा। चलिए आपकी बात मान लेती हूँ, आपके 60 सेकंड खत्म हुए, लेकिन ये सवाल लेकर मैं कपिल मदान जी के पास जाना चाहती हूँ। कपिल मदान जी, रिजु दत्ता जी का सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल का जो औचित्य है वो आपसे पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप नुक्स निकालिए ना, मोदी सरकार में जितने नुक्स निकालने हैं निकालिए, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या ऑल्टरनेटिव ऐसी सरकार है जो इस वक्त राजस्थान में चल रही है? क्या अल्टरनेटिव के नाम पर कांग्रेस पार्टी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर देगी जो इस वक्त राजस्थान में दिख रहा है? मतलूब अहमद 138 दिन से फरार है, जो दूसरा आरोपी गुर्जर था जिसकी बात हर वक्त होती थी, उसने खुद को सरेंडर किया है, पुलिस नहीं पकड़ पाई। एक बच्चे की मौत हो जाती है, शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, स्कूल में मौत हो जाती है, उसके खिलाफ FIR नहीं कोई दर्ज करता, और इसके बाद एक टीचर शेड्यूल कास्ट की जो है उनको जलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है, जयपुर में जो कैपिटल है, साधुओं के साथ जो हो रहा है सब आपके सामने। ये किसी और प्रदेश में हुआ होता तो क्या कांग्रेस इस वक्त सड़कों पे नहीं नजर आती? नाविका जी, मैं आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करी और ये बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, तो मैं एक सवाल मेरा आपसे भी है और मेरा सवाल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे भी है। इस देश में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि मुझे लगता है कि शेमलेसली जिन अपने लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं और वो शेमलेसली उनको डिफेंड करते हैं। मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण देता हूं। हमने अजय मिश्रा टहनी का एग्जाम्पल देखा, उनके लड़के ने किसानों को उड़ाया, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद कार्रवाई हुई, वो अरेस्ट हुआ, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको बेल दी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंटरवीन किया, उसकी बेल फिर से रिजेक्ट करी, और हो क्या रहा है, टेनी जी आज भी, जो कि मेरी जानकारी है, आज भी वो एज अ मंत्री है सरकार के अंदर। ये बात सही है या नहीं है, ये आप और या मेरे ख्याल जो RP सिंह साहब है ये कन्फर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने लॉ एंड ऑर्डर की फिर से बात करी, हमने अभी रिसेंटली देखा कि किस प्रवृत्ति के इनके नेता थे, श्रीकांत त्यागी एक उदाहरण बना जिसने मुझे लगता है कि पूरे पूरे देश का जो सिर है वो शर्मसार किया। हमने देखा कि कितनी ऑडेसिटी के साथ उसने एक महिला को अभद्र तरीके से गालियां दी, उसको धमकाया, और ये कोई एक अकेला इंसिडेंट नहीं था। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो ये पिछले 3 साल से वो ये सब चीजें कर रहा था, और जब ये मीडिया ने हाईलाइट किया, सोशल मीडिया में ये हाईलाइट हुआ, उसके बाद जब सरकार को किनारे किया गया
कपिल मदान साहब, आपके 60 सेकंड खत्म हो गए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इशू भी टाइम्स नाउ नवभारत पर उठा था और हमने इस पर फोर्स किया। अगर आप समझे कि मीडिया में लोगों की आवाज उठाने की ताकत है, तो हमने फोर्स किया कि उसको अरेस्ट किया जाए और ये हुआ। लेकिन क्या राजस्थान में जो महिला टीचर जलाई जा रही है उस पर आपके पास जवाब नहीं है? आप सिर्फ बीजेपी पर उंगली उठाना चाहते हैं। मैं तो कह रही हूँ जितना क्रिटिसाइज करना है बीजेपी को करिए, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? आप ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं राजस्थान मॉडल, जहां लोग जलाए जाते हैं। मैं आरपी सिंह जी को लाना चाहती हूं। आरपी सिंह जी, सवाल मेरा यह है कि एक सरकार जो आपकी है वो 8 साल अब रह चुकी है सत्ता में, और 2024 में जब चुनाव होंगे तो जनता का वर्डिक्ट होगा और आपका कार्यकाल देखा जाएगा 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो लोग आपकी सरकार में कमियां ढूंढते हैं, और कई कमियां हैं, कई चीजें में लोगों को परेशानी है, अगर आज इकोनॉमी है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, ये सब कमियां हैं, और मुद्दा ये भी है कि कहीं कहीं आंखें बंद कर ली जाती हैं पॉलिटिकल रीजंस के लिए। श्रीकांत त्यागी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था, लेकिन आरपी सिंह जी, क्या फैसला बेटर ऑल्टरनेटिव पे होना चाहिए या इस पर होना चाहिए कि किसके दामन पे ज्यादा दाग है? सफेदी की कोई बात ही नहीं कर रहा, दागों को ढूंढा जा रहा है। आरपी सिंह जी, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका, सबसे बड़ा प्रश्न है कि नेता है और नीति है क्या किसी के पास? ना नेता है ना नीति है। मैं एक एक करके नेता का नाम लेता हूं, क्या मॉडल पेश करेंगे ममता बनर्जी, क्या मॉडल पेश करेंगे देश में आगे? कट मनी मॉडल, वो 21 करोड़ तक तो पार्थो चटर्जी सब माफ है, उसके बाद जब 30 करोड़ बाकी आता है उसमें हिस्सेदारी नहीं पता लगती, इसलिए उसको पार्टी से निकाला जाता है, पर 21 करोड़ तक आवाज नहीं निकलती। उसके बाद आपने केजरीवाल साहब का नाम लिया, क्या मॉडल देंगे? झूठा प्रचार प्रसार मॉडल। स्कूल है दिल्ली में 1054, उसमें से 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। झूठा प्रचार प्रसार, मैंने बड़े स्कूल अच्छे कर दिए। तीसरे हैं शरद पवार जी, क्या मॉडल देंगे? 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली का मॉडल देंगे क्या, कि मेरे मंत्री सरकार में थे और 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली करते थे क्या? और अगले हैं हमारे सुशासन बाबू जी, जंगल राज का मंत्री बनाना किया था भूल के, एक मंत्री भूल के, उनको जब उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ सरकार बनाई है तो उनको एक पोर्टफोलियो जंगल राज का ही बनाना किया था, क्या मॉडल देंगे देश को? जंगल राज का आपने बता दिया क्या हुआ। एक सिर्फ आखिरी बात, तो आपका टाइम हो गया, राहुल गांधी जी के बारे में आपने बताया, राजस्थान में सब कुछ बताया, उन्होंने कहा था मैं 10 दिन के अंदर सारे किसानों का कर्जा माफ करूंगा, राजस्थान में चीख चीख कर कहा था। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, एक किसान का जिसका राजस्थान में कर्जा माफ हुआ हो बता दे। सिर्फ झूठ बोलना, जाकर कुछ भी बोल देना, कैसे भी बोल देना, वो है राहुल गांधी। तो इनमें से कौन है जिसके पास देश को आगे हाथ उठ रहे हैं पैनल पर? रीजू दत्ता जी और कपिल मदान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, राजीव रंजन जी हैं जेडीयू से। राजीव रंजन जी, मैं हैरान हूं देखकर कि दिन दहाड़े बच्चियों के साथ जो हो रहा है, कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, बैंक लूटे चले जा रहे हैं, और आप कहेंगे अरे पहले भी होते थे और आज आप अभी के गिन रहे हैं। एक एक आर्मी के आर्मी मैन की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, लोग उससे बैग छीन रहे हैं और फिर उसको शूट कर देते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म आर्मी के आदमी की हत्या हो जाए बिहार में, और बिहार के कई लोग बॉर्डर पर जाते हैं इस देश की सेवा करने के लिए, उसी राज्य में अगर चोरी खसौटी के लिए एक आर्मी के जवान की हत्या हो जाए तो क्या सर शर्म से झुक नहीं जाएगा इस देश का? राजीव रंजन जी, मैं पूछना चाहती हूं, और ये आरोप है देश का, आप अभी और तभी की बात मत करिए, आप जवाब दीजिए कि पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की वारदातें सामने आई हैं, क्या आप सही तौर पर दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि सुशासन है इस वक्त बिहार में? देखिए, निसंदेह सुशासन के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, तो वो आज भी बरकरार है। जो घटनाएं हुई हैं निसंदेह ये किसी को भी मरमाहत करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन
मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अभी बहुत सारे सवाल आए हैं और आपके पास केवल अभी मेरे लिए 60 सेकंड हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। नसीहत देना बहुत आसान है, राज्य के कानून मंत्री पर सवाल खड़े करने के पहले देश के गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक के बारे में आरपी सिंह क्या कहेंगे, जिन पर हत्या का मामला चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो 33 मंत्री हैं वो दागी हैं, इनमें अनेक पर हत्या और अन्य जो गंभीर मामले हैं वो दर्ज हैं। बस इतने ही तक पूरा नहीं होता है, उत्तर प्रदेश की एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, 22 मंत्री इनके दागी हैं, 2017 में 20 थे, दो कदम आगे बढ़े हैं। और ये मॉडल गुजरात का ले लीजिए, जहां पर 7 दागी मंत्री हैं, इसमें एक प्रदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और एक प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों का है। उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक दागी मंत्रियों की भरमार अगर आरपी सिंह क्या है, राजीव रंजन जी, पिछले 7 दिनों में सिर्फ यही आपका बचाव का रास्ता है? 7 दिनों में सिर्फ यही बताया जा रहा है? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, यूपी देख लीजिए, केंद्र देख लीजिए। मैं कह रही हूं कि अगर सुशासन बाबू ने दामन छोड़ा है बीजेपी का और आज अपने आप को पीएम मटेरियल कह रहे हैं, तो क्या उतनी ही दागदार अल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं? या बिहार पर कोई जवाब है नहीं आपके पास, इसलिए बात को अल्टाने पलटाने खिसकाने की बात करते हैं आप? नाविका जी, सबसे पहले अल्टाने पलटाने जैसे शब्द उचित नहीं होंगे, इसलिए कि आपने आरपी सिंह जी को भी उल्टाने पलटाने की इजाजत दी है, पहली बात। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी इस देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, लगातार राज्य की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, जिन सरकारों के भी वो चेहरे रहे जनता ने करिश्माई जीत दी है। लेकिन उन्होंने खुद कहा 2024 में बीजेपी का सफाया जरूरी है, सबको मिलकर आना होगा और सबको एकजुट करने के लिए वो लगेंगे। सबको मिलकर आना होगा क्योंकि सत्ता जरूरी है, लेकिन कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है। रीजू दत्ता जी आप हाथ उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ रीजू दत्ता जी, मानती हूँ कि सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सब स्टेट्स आप उठाकर देख लीजिए, हर राज्य में आपको घटनाएं मिलेंगी, ये बराबर बात है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूं, आज दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कि क्या ये घटना जो बिहार से आई, जहां एक आर्मी के जवान की हत्या हो गई दिन दहाड़े, बैंक लूटे गए, बच्चियां ट्यूशन सेंटर जाते हुए उनको अगवा कर लिया जाता है, मार दिया जाता है, और पिछले एक हफ्ते में तमाम जो घटनाएं हुई हैं, ये पहले से कम है या ज्यादा है, या मीडिया का दिमाग खराब हो गया है कि ये घटनाएं उठा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि बिहार में कुछ भी बदला है? पहले इस पर बता दीजिए हाँ या ना। नाविका जी, मैं एक ही चीज कहूंगा कि किसी भी बच्ची का हत्या या आर्मी के किसी जवान का हत्या, ये सब तो किसी भी सभ्य देश में या सभ्य सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। बीजेपी का नया सरकार गठन हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी है। बीजेपी किसी भी मतलब क्या करते हैं, बीजेपी की सरकार गिर गई है, अभी आरजेडी और केडीयू की नई सरकार आई है, उनका डिसीशन है वो कैसे अपना स्टेट संभालेंगे। बट मैं नाविका जी, यहाँ पर आरपी सिंह जी ने बहुत मॉडल गिनवाए, बंगाल में कट मनी मॉडल, ये सब मॉडल गिनवाए। तो मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ देश की जनता को, क्या लगता है कि सिर्फ उग्र सांप्रदायिक राजनीति ही इस देश में प्रधानमंत्री का एक ही सीवी में रहना चाहिए? क्या किया है प्रधानमंत्री जी ने आपने मुझे बताइए? महंगाई आसमान छू रही है, मुद्रास्फीति आसमान छू रही है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, कहां से वो आइडियल कैंडिडेट हो गए प्रधानमंत्री का? बट हिंदू मुस्लिम पर आपका बेहतर, आप बेहतर अल्टरनेटिव दिखाइए तो सही। बता रहा हूं आपका बेहतर अल्टरनेटिव क्या है? 56 करोड़ कैश, ये आपका बेहतर अल्टरनेटिव है। आपका बेहतर अल्टरनेटिव क्या है कि आपके मंत्री मंडल जी पशु तस्करी में अब अंदर हैं और उनके ऊपर एक और आरोप लग गया है कि अपनी बेटी को उन्होंने टीचर स्कैम में बिना योग्यता के बना दिया। ये बेटर अल्टरनेटिव है? अगर बीजेपी सरकार खराब है तो आप उसको बेहतर कैसे अल्टरनेटिव देंगे? नाविका जी, वही तो बोलने दीजिए, सारे जितने विपक्ष हैं उनका आपने मुखौटा खोल दिया। अगर थोड़ा हमें भी बीजेपी का मुखौटा खोलने का मौका दे दीजिए, कम से कम एक मिनट
आज ये लोग कटमनी मॉडल बोल रहे हैं, आपने हमारे गिनवा दिए। आज बंगाल के जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, ईडी सीबीआई चार्जशीट मेंशन है, उसको क्यों नहीं पूछा? पूछा तक नहीं जा रहा है, वॉशिंग मशीन में ढुल गया ना। हेमंत बिस्व शर्मा, ईडी सीबीआई चार्जशीट मेंशन, शिवराज सिंह चौहान वेपन स्कैम मेंशन, कोई पूछेगा नहीं? तंत्र साधु की पार्टी है बीजेपी। और दूसरा, ये लोग मॉडल बता रहे हैं, आप एक औरत है, हमारी नेत्री, हमारी मुख्यमंत्री औरत है, एक औरत जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ था उसके सामने उसके 3 साल की बच्ची को मार दिया, इनको ये लोग छोड़ के माला पहना रहे, लड्डू खिला रहे, ये लोग देश चलाने के लिए फिट है। आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गुजरात में बिल्किस बानो के जो गुनाहगार हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ये किस तरह का न्याय है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आरपी सिंह। आज ये देश आपसे भी सवाल पूछता है कि दूसरों में कमियां जरूर दिखाने की आप में ताकत है, तो आपके अपने गुजरात में अगर ये होता है तो उसको भी तो रोकने की आप में ताकत होनी चाहिए। ड्रग कैपिटल बनती है गुजरात, विश्व का चरस वहीं मिल रहा है। नाविक जी बोलिए। आरपी सिंह जी, मैं बीच में समय, मेरी आदत नहीं, मैं बीच में बोलूं जब बीच में टोकना पसंद भी नहीं करता, और निवेदन है आपसे भी, ये बिल्किस बानो की बात करें, कोई लोग उनका स्वागत करें, उनके परिवार के लोग होंगे, भाजपा या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी दल के लोग नहीं है वहां पर, उनके परिवार के लोग गए होंगे, उससे हमको क्या लेना देना है जी, पहली बात। और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, परंतु ये जो बात छुपा रहे वो बात नहीं बता रहे कि वो जितने इनके खिलाफ मुकदमे वो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है, वो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसका भी नहीं बता रही है। और इन्होंने इस बात का बिल्किस बानो के लिए जो कमिटी बनी, कमिटी में 2 बीजेपी के एमएलए हैं, बाकी डीएम वगैरह हैं। मैं पूछ रही हूँ सवाल बाकियों से, लेकिन बिल्किस बानो के मामले में गुजरात सरकार अपने हाथ नहीं झाड़ सकती। आरपी सिंह जी, अगर आपको किसी भी कन्या के लिए दर्द होगा तो बिल्किस बानो के लिए भी होना पड़ेगा। नाविका जी, वो मैं माफी चाहता हूँ, नाविका जी, वो कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, हमारा उसमें क्या रोल है, भाजपा को उसमें क्या लेना है और देना है उसमें? परंतु जो बात का जवाब नहीं दिया कि 21 करोड़ तक चुप क्यों नहीं ममता बनर्जी, क्योंकि उनकी जानकारी भी था उनका पैसा, जैसे ही वो 50 करोड़ रुपए हुआ तुरंत उसको निकालने की बात करी पार्टी से, क्योंकि वो 30 करोड़ रुपए उसके खाते में नहीं बताया था। ये तो अभी 156 करोड़ रुपए है, ऐसे पता नहीं कितने 56,000 करोड़ रुपए का घोटाले है वहाँ पर। और ये कैसी सरकार मॉडल देंगे देश को कि ये गौ माता की तस्करी कराते हैं वहाँ पर, और गौ माता की तस्करी ममता बनर्जी की मर्जी के बिना करती है? गौ माता की तस्करी ममता बनर्जी के मुंह के बिना करती है? कितने गाय काटने के लिए, गौ माता को काटने के लिए कितने कट्टर लोग हैं ममता बनर्जी? रेप किया इन लोगों ने उनको, आप लोग छोड़ दिया, आप लोग तस्करी की बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए, शर्म कीजिए, अरे छोड़ दीजिए, कल प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म नहीं आता एक औरत के साथ ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए? निर्भया कांड को आप लोग पॉलिटिकल इशू बनाया था, इंडिया में 2 मिनट का साइलेंस बनाया था। बिल्किस बानो के बारे में क्या हुआ? परमानेंट साइलेंस हो गया। क्यों? वो मुसलमान है, इसलिए औरत नहीं है, वो औरत का इज्जत नहीं है आप लोगों के पास। बड़ी बड़ी बातें करते रहे, तस्करी वस्करी हटाइए, ये सब छोटी मोटी, ये सब अच्छा है जो बिल्किस बानो का मुद्दा संगीन है और संवेदनशील है द्रिजू दत्ता, पर आप तस्करी छोड़ो ये भी नहीं कह सकते, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन कपिल मदान जी, पब्लिक का सवाल होता है और वो बहुत जरूरी होता है। करनाल हरियाणा से राम कुमार का सवाल है, राजस्थान में आए दिन इतने अपराध हो रहे हैं, जब मतलूब अहमद पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं छोड़ो यार, ये भूल गए हैं क्या कि फिर से चुनाव लड़ना है या जनता से वोट मांगने हैं? जवाब देना क्या जरूरी नहीं समझते? कपिल मदान जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं पहली एक आपको बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताऊं कि किसी भी तरह के अपराध का कोई भी सपोर्ट नहीं हो सकता जो मतलूब के अगेंस्ट हुआ है। मैंने बार बार बोला आपके चैनल पे, आपके साथ डिबेट में कई बार बोला कि एफआईआर में उसका नाम आया, कोई भी किसी भी तरीके का फियर या फेवर नहीं यूज किया गया, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश नहीं की गई। अगर वो फरार है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, और जो भी लॉ के अंदर फरार है
अगर वो फरार है 140 दिन हुजूर, 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से ऊपर, 5 महीने होते पूरे होने वाले हैं, अब तक मिला ही नहीं वो बंदा जिसने वायलेंस की थी करौली में। आप कह रहे हैं अगर वो फरार है और टीचर टीचर को जलाया जाता है, आप इसमें भी कह दीजिए अगर टीचर जलाई गई है। नाविका जी, मैंने किसी भी तरीके के क्राइम का कभी भी किसी भी डिबेट में साथ नहीं दिया। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, पर मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए या नहीं? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ नाविका। ये हम एक पार्टी बीजेपी जो ऐसी है, जो हमने देखा है, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उनका साथ देती है। आज एक रिपोर्ट है इनके एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, कि हाई कोर्ट ने एक और नेता के अगेंस्ट रेप के चार्जेस लगे हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे? और प्रोमिनेंट नेता नाविका जी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप जानती हैं उनके नेता के अगेंस्ट जो कन्विक्ट हुआ उन्नाव के अंदर, उसके फेवर में रैलियां निकाली गई, कठुआ के अंदर रैलियां निकाली गई, अभी हम बिल्किस मानो के केस के अंदर देख रहे हैं कि वहां पे मिठाइयां बांटी गई। तो ये किस मुंह से इस बारे में बात करते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते भी कहां से? जवाब दीजिए आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, खुशी मनाई। सवाल आपके ऊपर है, बहनों के मामले में बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये बार बार प्रश्न आता है नाविका कि बिल्किस बानो के मामले में ना भाजपा ना किसी और दल का ना किसी संगठन का कोई लेना देना नहीं। जो लोग मिठाइयां बांट रहे हैं या जो खुशी मना रहे हैं उनके परिवारजन होंगे, करें, हम कुछ नहीं रोक सकते। कल किसी का कोई परिवारजन बाहर आए उसको लेकर खुशी मनाए, उनका जाना है। मैं अपराध की, क्योंकि हम अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, इनके कुछ पार्टी के लोग अरेस्ट किए गए, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के घर के आगे वैंडलिज्म किया, जब उनकी बेल पे रिहाई हुई, जो बीजेपी के अध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, उनको हार पहनाए। ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है? ये कहां की बात करते हैं? मैं बिल्कुल उसके हक में हूं, कहां से कर रहे हैं? मेरी पार्टी का कार्यकर्ता अगर धरना प्रदर्शन करने जाएगा, वहां पर मुकदमा बनेगा, उसकी बेल होगी तो उसका स्वागत करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? मैं भर देता हूँ, हमारे खिलाफ मुकदमे बनते हैं और हम मुकदमे से बाहर आते हैं, हमारा स्वागत होता है, उसमें कोई बड़ी बात है? परंतु आप असली बात से बाहर में, आप बता नहीं रहे कि मतलूब अहमद का कौन से मंत्री ने पना दी, कौन से मंत्री ने मतलूब अहमद को पना दी और कौन से मंत्री ने मतलूब अहमद को बाहर जाने का रास्ता दिया? कौन सा मंत्री था जिसकी गाड़ी में मतलूब अहमद बाहर बैठ कर गया? इसको उत्तर दीजिए। बोल सकते हो, बोल चुके हो। रिजु दत्ता जी, दिल्ली से अनिल का सवाल है और वो पूछ रहे हैं रिजु दत्ता जी, नाविका जी, टीएमसी प्रवक्ता से सवाल है, आप सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहते हैं, ये बात समझ में आती है, पर कोई भी देश की जनता का दिल जीतने की बात नहीं करता और ना ही ये बात करता है कि जीत के बाद जनता के लिए करेंगे क्या, क्योंकि आपका सिर्फ निशाना मोदी पर है। पहला बात, हमें मोदी को हराना नहीं है, हमें भाजपा को हराना नहीं है, हमें इस देश को जिताना है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो सवाल पूछा, मैं नवभारत के जो पूरे विश्व के दर्शक है उन्हें बताना चाहता हूं, मोदी जी के 4 बयान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको हम लोगों ने वोट दिया है, मैंने नहीं, आप लोगों ने वोट दिया है, काला धन वापस लाएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, 15 अगस्त 2022 तक सबके पक्के घर होंगे, एक भी नहीं किया। तो मैं देश की जनता से पूछ रहा हूँ, क्या सिर्फ मंदिर के नाम पे आप लोग वोट देंगे? इनको हटाइए और देखिए बाकी कैसे काम करते हैं। हम नहीं करेंगे, हमको भी हटा दीजिए, पर जो वादे करते हैं, जिन्होंने झूठ बोला है आपसे, उनको हटाइए। आपके घर में चावल नहीं है। राजस्थान में शेड्यूल कास्ट की महिला टीचर को जलाने पर कोई जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, कोई जवाब इस बात का नहीं कि 140 दिन बाद करौली की घटना के बाद मतलूब अहमद अब तक फरार क्यों है, कोई जवाब नहीं है कि बिहार में आज आर्मी का जवान क्यों मारा गया, बैंक क्यों लूटे गए। जवाब है तो सिर्फ इस बात का कि उन्हें देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं, हमसे सवाल मत पूछिए, क्योंकि उन्हें देखिए वो हैं बीजेपी और हमें इन्हें हराना है।
राजनीति में परिवर्तन तब होता है जब अल्टरनेटिव वर्तमान से ज्यादा मजबूत हो। 2014 से पहले जब देश में करप्शन के एक के बाद एक मामले आ रहे थे, एक निराशा का भाव था पूरे देश में, तब मोदी एक बेहतर अल्टरनेटिव थे। ये लोगों को बताने में वो कामयाब हुए और लोग उनकी बात शायद माने, इसीलिए पिछले 8 साल से 2 चुनाव जीतकर वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज मोदी के सामने जो विकल्प का दावा कर रहे हैं, वो हर सवाल के जवाब में कहते हैं कि पहले फलां से पूछकर आइए। मेरा नजरिया बस इतना ही है कि परिवर्तन के लिए आप ये जवाब देकर नहीं निकल सकते। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना ही होगा और लोकतंत्र में ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो जवाब चाहती है और जनता यानी कि पब्लिक हम सब की बॉस होती है। वो तय करती है कौन सही कौन गलत।